स्वामी विवेकानंद के जीवन की कहानियाँ अध्याय भाग 53 ओटपुर की घटना। 24 दिसंबर की एक अकल्पनीय घटना के कारण ओटपुर श्री रामकृष्ण संघ के इतिहास में अविस्मरणीय हो गया। संध्या के बाद बाहर से धुनी जलाकर तारों से भरे उज्जवल खुले आकाश के तले श्री रामकृष्ण के त्यागी संतान वृंद ध्यान में लीन हो गए। ध्यान के समाप्त होने पर भी वे सब भगवत चर्चा में रत थे। उसी समय नरेंद्रनाथ ईसा मसीह के त्याग तपस्यापूर्ण अपूर्व जीवन की अध्योपान कथा मर्म स्पर्शी भाषा में अबाध रूप से कहने लगे। इसके उपरांत संत पॉल से शुरू कर ईसा मसीह के अन्य विभिन्न त्यागी शिष्यों के अथक परिश्रम और आत्मसमर्पण के फलस्वरूप किस प्रकार ईसाई धर्म और ईसाई संप्रदाय का प्रचार प्रसार हुआ, उसके इतिहास का वर्णन कर वे अपने गुरु भाइयों को त्याग ऐश्वर्य से मंडित प्रेरणामय एक नवीन संसार में ले गए। उन्होंने सबसे साग्रह निवेदन किया कि सब भी मानव ईसा मसीह और उनके शिष्यों की भांति पवित्र जीवन धारणा कर उसे विश्व कल्याण में उत्सर्ग कर सके। उस प्राणदायी वृत्तता के प्रभाव से गुरु भाई उठ खड़े हुए और एक दूसरे के सामने धुनी की धधकती अग्नि शिखा को साक्षी कर श्री भगवान के चरण कमलों में उन्होंने अपना अटूट संकल्प प्रकट किया कि वे सब संसार का परित्याग करेंगे। सामने की अग्नि शिखा ने उन लोगों के भावोज्ज्वल शरीर पर प्रतिफलित होकर उस आवेगमय प्रतिज्ञा को और भी मुखरित कर दिया। सारा वायुमंडल मानो अपूर्व भगवत प्रेरणा से सिहर उठा। फिर सामान्य भूमि पर उन लोगों के मन में उतर जाने पर यह सोचकर आश्चर्यचकित हो गए कि वह संध्या ईसा मसीह के आविर्भाव पूर्व काल थी। परवर्ती दिनों में संघ गठन में ओटपुर के सहयोग को स्मरण कर पूज्यपाद स्वामी शिवानंद तारकनाथ ने कहा था, ओटपुर में ही हम लोगों के संघबद्ध होने का संकल्प दृढ़ हुआ। श्री रामकृष्ण ने तो हम लोगों को सन्यासी बना ही दिया था, किंतु वह भाव ओटपुर में और भी पक्का हो गया। इस प्रकार ओटपुर में एक सप्ताह बिताकर वे सब मठ या कलकत्ते में अपने अपने स्थान पर लौट आए।